Hi Shwan, look again, we are here with the same topic, arithmetic progression. As maybe it's a topic last video is revision part ke antargat. Then I look up, some student informed me that sir, we have the sum formula from the AP is deleted, then why we are replace it to me. Then look up bit of कुछ सब हम रिवीजन सेक्शन कर रहे हैं, डिलीटेड पोर्शंस हमारे पास इनफ टाइम है. डिलीटेड पोर्शंस को भी सीबीएसई की एक अगेन एक सर्कुलर आई थी, जहाँ पर उन्होंने सर्कुलर में दिया है कि डिलीटेड पोर्शन को भी आपको बच्चों को पढ़ाना है, भले वो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, वहाँ से हम उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं या नहीं करते. देन अगर डिलीटेड सिलेबस में आपका जो एपी का सम फॉर्मूला अगर डिलीट कर दिया गया है और मैंने आपको रिवीजन सेक्शन पढ़ाया है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो जो बच्चे जो भी 11 में पीसीएम ग्रुप लेंगे वहाँ पे उनको ये सेम चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलनी है. उनको जनरल टर्म्स भी मिलेंगे, उनको सम फॉर्मूला मिलेगा, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगी, वो मिलेगी अर्थमेटिक मीन के साथ. और मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट बता दिया था. आज भी फिर से रिविजन बता दूंगा कि अर्थमेटिक मीन बोलते हैं किसको, इन जनरल हमारी अर्थमेटिक मीन है क्या. तो इस सवाल मे बी रिविजन पार्ट सेक्शन में हमारी मे बी इट्स अवर लास्ट वीडियो ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देन वी आर गोइंग डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, देन फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक. देन लुक रिविजन पार्ट की बात करते हैं, रिविजन पार्ट में रिविजन की बात कर रहे हैं आज. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने वहाँ पर क्या किया, हमने सिक्वेंसेस देखे कि जो सिक्वेंस क्या है, यहाँ पर हमारे टर्म्स है वो आपस में एसोसिएट है किसी सम डिफिनेट रूल्स से, आपस में जो भी सक्सेसर नंबर ऑफ टर्म्स है वो प्रेडेसर से हमारा किसी डिफिनेट रूल्स के साथ एसोसिएट है. जहाँ पे हम सीक्वेंस को लिखने का कोई सीक्वेंस को शो करने का कोई यूनिक पैटर्न नहीं है हमारे पास, यूनिक वे नहीं है, सॉरी मैंने पैटर्न की बात की, यूनिक वे नहीं है. हम कभी कभी उन्हें टीएंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी हम डायरेक्टली सीरीज लिखते हैं. देन सीरीज आप किसी भी सीक्वेंस को सारे टर्म्स को प्लस साइन के साथ ऐड कर दें, देन फॉर्म सीरीज. देन प्रोग्रेशंस की बात की थी कि हमारे पास वो सारे पैटर्न्स जो डिफिनेट रूल्स या सो के थ्रू हमारे पास होते हैं, वो सारे पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं. किसी रूल से इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर वही पैटर्न आप किसी भी डिफरेंट रूल्स के साथ या तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हमारी क्या होती है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है किसी कॉन्स्टेंट टर्म के साथ. जिस कॉन्स्टेंट टर्म से वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है बेसिक. इस पे दो ही चीज़ें थी वहाँ पे, एक पार्ट से बेसिक डेट कर दिया, जनरल टर्म्स फार्मूला एंड सम फार्मूला. पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सब मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है और उस पर आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया है. आप नॉलेज करिए, आपको नॉलेज रहेगा, जो भी पूछेंगे उसका आंसर आप देंगे. तो क्या है क्या नहीं उस पर अभी सोचने की बात नहीं, यू हैव एनफ टाइम. वी आर गोइंग टू बी द इवन रिविजन पोर्शंस, अब रिविजन पोर्शंस पर चल रहे हैं. जो भी चीज़ें छूट गई हैं मैंने डिटिंग सिलेबस को अगर नहीं कवर किया है तो उसके भी पोर्शंस को कवर करूँगा. Then look up. What we read of, we have seen in till now, we have seen in AP what we हमने क्या देखा, हमने जनरल टर्म फॉर्मूला देखा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे, tn is equal to a plus n minus 1 d. ये हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला है जहाँ पर किसी भी एन एच टर्म्स को AP, अगर हमारी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चेक करते हैं कि हमारी गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, हमारी गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं. और वहाँ पे कुछ चेक चेकिंग थ्रू की हमारे पास क्या आती है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आती है डी, जो कैसे मेजर करते हैं, इट्स टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू ऑल्सो इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री. अगर हमारे सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड का, सेकेंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस ये सेम होता है तो उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो ये हमारी इस देन हम चेक कर लेते हैं कि हमारी गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है. कुछ यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं आपको कि गिवन चीज़ आपकी जो किसी स्टेटमेंट के साथ कि आपकी वो चीज़ एपी फॉलो करती है या नहीं करती है. फॉर एग्जांपल आप सर्टेन कोई अमाउंट है जिसको आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से बैंक में फिक्स किया हुआ है, आपने 1000 रुपये जमा किए जिस पर आपको पर ईयर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के थ्रू, देन वो आपका जो अमाउंट मिल रहा है वो एपी फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं. देखिए विद असेसमेंट कैसे करना है कि आपने 1000 सबमिट किया
10% का इंटरेस्ट हो रहा है, तो अभी तो क्या हो जाएगा आपका जब फर्स्ट ईयर के एंड पे इसका 10% का लेंगे, देन आपके पास 1100 है, अभी 1100 पे 10% लेंगे, जो 110 आपके पास, तो 1210 एंड सो ऑन। अब इस तरह की स्टेटमेंट पे आप देखिएगा कि इनका 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 कॉमन जो इनका डिफरेंस लेंगे, मीन जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं होने वाला। इन जो स्टेटमेंट मैंने की किसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर सेव करते हैं तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो ये आप स्टेटमेंट वाली चीज़ें भी सोचिएगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो जो स्टेटमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप सीरीज फॉर्म करिए। सीरीज फॉर्म करने के बाद आप उनका टर्म्स का डिफरेंस लीजिए, अगर कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस, अगर वो सेम है तो कॉमन डिफरेंस आपका मिल जाएगा और वो एपी फॉर्म करेगा। देन हमारा जनरल टर्म फॉर्म है ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ पे ए हमारा रिप्रेजेंट करता था फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और टी एन एच टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक सेम फॉर्मूले में हम लास्ट टर्म को भी मेजर करते हैं। देन ये हमारी बेसिक चीज़ें थी। देन अब फिर अब हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कशन में क्या किया कि फिर हमने देखा, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखा। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई भी एपी की सीरीज है, उसमें उस कोई भी सीरीज है, आप जनरल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हमने जनरल से सीरीज ले ली, नेचुरल नंबर से ले लिया, सीरीज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हमने जनरल सीरीज एंड नेचुरल नंबर को एज ए सीरीज ले लिया, एपी ले लिया, ऑब्वियसली इट्स ऑन इट्स इन एपी क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अभी क्या करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट टर्म्स लेते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट टर्म से के लिया जो हमने टू डिफाइन किया, उस क्या करते हैं इसमें उस टू को हम ऐड कर दे रहे हैं, इसके सारे टर्म्स में के टू ऐड किया तो हमारे पास टू सीरीज मिलेगी। टू ऐड कर देंगे तो हमारी न्यू सीरीज मिलेगी वो 4 5 6 एंड सो ऑन। अभी आप हर एक टर्म पे जो कॉन्सेंट टर्म्स टू ऐड किया है, टू की जगह कोई और नंबर भी आप ऐड कर दें तो आपको जो न्यू सीरीज मिलेगी, आप देख सकते हैं ये न्यू सीरीज भी क्या है, अगेन इनका बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ये एपी फॉर्म कर रही है। ये भी क्या है, मीन्स किसी भी सीरीज आपके पास कोई भी गिवन सीरीज है उसमें आप हर एक टर्म्स में कोई नॉन जीरो कॉन्सेंट ऐड करते हैं तो जो मिलने वाली नई सीरीज है वो आपका क्या रहेगा, वो एपी फॉर्म करेगा। ठीक, वैसे सेम सीरीज में आपने इस कॉन्सेप्ट टर्म से इनका डिफरेंस ले लिया, 1 - 2 - 1, 2 - 2 - 0, 3 - 2 - 1, 4 - 2 - 2, 5 - 2 - 3। लुक, अभी हमने क्या किया, हर एक टर्म से कॉन्सेप्ट टर्म से नॉन जीरो कॉन्सेप्ट टर्म्स माइनस टू डिफरेंस ले लिया हर एक टर्म्स का। अब ध्यान से देखिए जो नई सीरीज वो क्या बेटा, फिर से क्या हमारे पास, अगेन वी गेट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमारे जो टर्म्स के डिफरेंस होंगे वो इक्वल रहेंगे, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा अगेन वन है, लेकिन हमारे जो न्यू सीरीज है वो क्या है, अगेन फॉर्म्स है ए पी। एक सेम सीरीज में हमने क्या किया, उसी सेम सीरीज में हमने किसी नॉन जीरो कॉन्सेप्ट टू एक केस टू लिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ व्हाट वी हैव 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। फिर से देखिए आप अगेन जो हमारी आप सारे टर्म्स को किसी नॉन जीरो कॉन्सेंट टर्म्स टू से जब मल्टीप्लाई कर दिया, हमने के इक्वल टू ले लिया, अगेन जो हमारी न्यू सीरीज है वो ए पी है क्योंकि यहाँ पे इनका कॉमन डिफरेंस टू है। देन लास्टली अगर उसी सेम सीरीज में किसी नॉन जीरो नंबर टू से हम डिवाइड करते हैं, नाउ वी हैव 1 by 2, 1 3 by 2, 2 5 by 2 and 3 and so on। फिर से देखिए जब हमने उसी सेम सीरीज जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी उसे किसी नॉन जीरो नंबर टू के इसको टू लिया, उससे सारे टर्म्स को डिवाइड मार दिया, अभी हमारे सामने जो न्यू सीरीज है 1 by 2, 1 3 by 2, 2 5 by 2, 3, अगेन कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1 by 2 है या 0.5 बोलिए आप इसको, अगेन जो हमारी जो न्यू सीरीज मिली वो क्या है, वो क्या फॉर्म्स करती है, ए पी। तो हमने क्या देखा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी, जो हमारी ए पी की प्रॉपर्टीज है वो ये है कि हमारे अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है और उसमें किसी भी टर्म्स में हम कोई भी नॉन जीरो कॉन्सेंट को ऐड करें, हर एक टर्म से हर एक टर्म्स में किसी नॉन जीरो कॉन्सेंट को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या हर एक टर्म्स को डिवाइड कर दें उस नॉन जीरो कॉन्सेंट से, जो हमें न्यू टर्म्स मिलता है वो अगेन वो क्या होता है, वो ए पी में होता है, इट्स फॉर्म्स एन ए पी। देन हमारे पास आगे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए,
जनरली जो रिटर्न क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जनरली का जो फॉर्मूला है जनरल टर्म का, टी एन इक्वल टू जनरल टर्म फॉर्मूले में जो बेसिकली जो है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है टी एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हमारा फर्स्ट टर्म्स है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो बेसिकली उसमें से चार अननोन्स है, उसमें से कोई भी थ्री आपको वैल्यूज दे, चौथा फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने एस एन सम फॉर्मूला देखा, एस एन इज गिवन बाई एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर हमने क्वेश्चन लगाए, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं जो हमने नहीं देखे हैं, देन जो है छूट गए हैं। तो देन नाउ वी आर गोइंग टू बी डू सम प्रॉब्लम्स अगेन इन आवर रिविजन सेक्शंस। वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। व्हाट वी हैव गिवन देयर, द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। व्हाट वी हैव गिवन, सम ऑफ सिक्स फर्स्ट सिक्स सम, द सपोज अब ये व्हाट वी हैव द टर्म्स इज लाइक जस्ट लुक व्हेनेवर आई एम टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी हैव टू फॉर्म एज we have to take any six numbers in our section, you can follow the rules. Also you can take a general the sum of six terms. Suppose our six terms are a, second is a plus d, then we have a plus 2d, then a plus 3d, then a plus 4d, 1 2 3 4 5, and a plus 5d. The sum of first six terms of an AP is, it's given there 42. Then now we have 6A. Now 1, 3, 6, 10, and 15D. We have 6A plus 15D is equal to 42. What we have? We have 6A plus 15D is equal to 42. Now, then the ratio of the 10 term to the its 13 term is 1 by 3. Again, it's given that the ratio of 10 to the 30th means T10 to T30 is given there. The ratio of 10 term to the 30th term is 1 is to 3. It's also given that, that's why, what is your T10? It's a plus 9B. What is your 30th term? It's a plus 29B. It's given 1 by 3. We have also given this one of the condition that the ratio of a plus 90 is equal to a plus 190, 1 is to 3. Then it's asking about calculate the first and the 13 terms of the AP. Now we have to find out A here, and also we have to find out T30. Now look. क्या दिया था क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो सिक्स टर्म्स के सम है वो 42 है, और उसके बाद जो हमारा दसवां टर्म है और तीसवां टर्म है 30, तो दसवां टेन टर्म है उनका रेशियो गिवन था 1 by 3। इसके बेसिस पे हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है और हमारा 13 टर्म क्या होगा वो हमसे आस्क किया इस प्रॉब्लम में। देन लुक वी हैव द वन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 6a + 15d = 42, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी हैव 3a + 27d is equal to, when you are going to take a cross multiplication there, a plus 29b. Now what we have 2a is equal to 3a plus 27, 3a, 937 is equal to a plus 29b. Now we have 2a is equal to 2d, then this gives us a is equal to d. Now we have a is equal to d. Abhi hamare paas a or d equal. Ab a or d equal okay. Find out a, we are going to put the here at the place of da. Then from equation 1 what we have, 6a plus 15a is equal to 42 means 21a is equal to 42. Then from here we get a is equal to 2. What we have to find out, that we have to find out the values of a. Now the value of a is 42, the values of a is 42, then we have a and d is same, then the value of d is also 2. Now then we have to find out our T13 term. How can we get? It's given by a plus 12d. A and d are same, then we can write down it's a 13a, or we can also write down 13d, then
13 into 2, then we get 26. And our 13th term is given by 26. This is our required result. I hope so. आपको समझ में आया होगा. ठीक, क्या था क्वेश्चन दे रखा था? छह टर्म्स है हमारे पास जो एपी में, उनका सम 42 है. हमने जनरल सिक्स टर्म्स फॉलो फॉर्म कर दिए. ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ये हमारे छह टर्म्स हैं. इनका सम दे रखा था 42. हमने सॉल्व किया, वी हैव 6a प्लस 15d इक्वल टू 42. देन क्वेश्चन में गिवन था कि दसवां टर्म है जो तीसवां टर्म है उनका रेशियो 1/3 है. व्हाट इज आवर t10? हाउ कैन वी गेट t10? इफ आवर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन आवर t10 इज काउंट बाय ए प्लस 9d, देन वी कैन मेजर आवर t30 बाय ए प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3. देन नाउ from the here we get what, after cross multiplication we get there 3a plus 27d is equal to a plus 29d. After solving this we get the values of a equal to d. Now we have a equal to d, we are going to put this relationship a equal to d in the question 1, because we have to find out the values of a first, then we are going to put the at the place of d a. Now we have 6a plus 15 means 20a1, a is equal to 42, then we get the value of a is what, 2. Also a and d are same, then our common difference is also 2. Then we have to find out what our t13 terms. It's a plus 12d means we can write down it's a 13a or 13d, because a and d are same in this series. Then we get our 13 term as 26. This is our 13 terms of the given series. Then this is our required solution. Now look again. Which term of the sequence, now we have one of the next question is that which term of the sequence, we have given sequence 17, which term of the sequence 77/5, 73/5 is the first negative term? Look, we have kind of this, we have one of the sequence that 17/81/5, 77/5, 73/5, and then we have to find out which is the first negative term. Look, what we have seen that the common difference is same there, means it's our sequence forms an AP. 81 minus, then our D is what? 77/3. Here our common difference is what? It's a minus 4/5. It's a minus, what is our common difference? It's a minus 4/5. Look, 17 minus 4/5, 85 minus 4, 81/5, 81/5 minus 4/5, 77/5. Then 77/5 minus 4, we get 73/5. Then look, what is the common difference here? We get it's a minus 4/5. Now we have a common difference. Our A is what here? It's a 17 there. Now we have our first term, we have our common difference. This is it's in our in AP. ये हमारा जो सीक्वेंस है एपी पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो अभी हमें इसमें पता करना है कि हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा. देन ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया पहले भी कि जब भी हमारे पास कोई सीरीज एपी में है और वहां पे हमें ऐसे क्वेश्चंस से फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है, देन वी स्टार्ट विद आवर tn इज लेस देन 0. देन वी स्टार्ट विद लेट इट्स आवर nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. Then tn is less than 0. What is our t1? Given by a plus n minus 1 t less than 0. We have b is what? 17 plus n minus 1. The value of b is what? Minus 4/5 is less than 0. ठीक है ना, हमने inequality solve करना बताया था आपको. Inequality solve करते हैं तो वो जो भी हमें variable चाहिए पहले constants को हटा देते हैं. यहाँ पे plus 17 है, इधर 0 है, दोनों sides में minus 17 add कर दिया. माइनस 17 ऐड करेंगे तो ये वाला 17 माइनस 17 हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी हैव. अब इस सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, इसको सॉल्व करते हैं. देन वी हैव माइनस 4 एन अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1 इनटू दिस 0 माइनस 17, देन वी गेट माइनस 17. नाउ लुक, अब फिर ये 4/5 कांस्टेंट. अब क्या करें,
माइनस फोर बाई फाइव ऐड कर दे दोनों साइड्स में, देन वी हैव माइनस फोर एन बाई फाइव, माइनस फोर बाई फाइव ऐड करें तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, इज लेस देन माइनस सेवनटीन माइनस फोर बाई फाइव। अभी इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव माइनस फोर एन बाई फाइव, सेवनटीन फाइव एट्टी फाइव फोर मीन्स माइनस एट्टी नाइन अपॉन फाइव। दोनों साइड्स को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज होती नहीं, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव माइनस फोर एन इज लेस देन माइनस एट्टी नाइन। फिर क्या, अभी हमें ये एन चाहिए तो हमें माइनस फोर से डिवाइड करना पड़ेगा। लुक, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे, नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारी इनइक्वालिटी साइन चेंज करती है, ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। फोर से डिवाइड करेंगे, माइनस फोर से डिवाइड करेंगे तो इधर हमें एन मिलेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा और इधर क्या हो जाएगा 89 बाय 4, मीन आवर एन इज ग्रेटर देन क्या आ गया यहाँ पर 4 2 8 22 होल सम 1 बाय 4, इन जो हमारा टर्म होगा इट्स आवर 23rd टर्म, जो हमारा 23rd टर्म होगा वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। अगर फिर से रिवाइज करता हूँ, हमारे पास एक सीरीज गिवन थी 1781 बाई 5 75 ऑब्वियसली इट्स ए पी है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमें इसका पहला नेगेटिव टर्म निकालना था। इधर हमारे पास 817 है, कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला 81 बाई 5 है, इससे भी आपने डी हमारे पास माइनस 4 बाई 5 आ गया। अब किसी भी ए पी सीरीज में हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म को कैलकुलेट करना है तो देन आई वाज स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट वी हैव कैप्ट इन योर माइंड दैट वी हैव टू स्टार्ट विद टी एन लेस देन जीरो, टी एन लेजन जीरो से हमने स्टार्ट किया। टी एन क्या होता है, डी प्लस एन माइनस वन, डी लेजन जीरो, ए की वैल्यू 17 था पुट किया, एन माइनस वन रखा, डी की वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव की पुट किया, दोनों साइड्स में माइनस 17 एड किया, माइनस फोर बाई फाइव एन माइनस वन को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में माइनस फोर बाई फाइव एड किया, फिर सॉल्व किया, दोनों साइड को फाइव से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड्स को माइनस फोर से डिवाइड किया और वहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज हुई। देन वी हैव इन लास्ट एन इज ग्रेटर देन 22 होल सम 1 बाई 4 मीन्स एन आपका 22वें टर्म से अधिक होना चाहिए तो क्या होगा आपका नेक्स्ट टर्म, मीन्स योर 23rd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई होप सो कि आप इसको समझ, ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो आप प्लीज सॉल्व करिएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, वी आर गिवन दैट द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, इट्स फर्स्ट टर्म The last term of an AP is 252. Its first term and common difference are 12 and 6 respectively. Find the sum of AP. Then we have to find the sum here. Again, look up. आप इस मामले में एक सम फॉर्मूला है नहीं? पढ़ते चलिए सब कुछ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक नंबर भी आपके पास आएंगे। Now we have to find the sum of an AP by first using the last term. Then we have to find the sum without using the last term. Without using the last term. And third, what we have? And lastly, we have to find out
verify the both the answers are same. Obviously the same angle answers हमारे same होंगे. Then first of all look, हमें थर्ड में verify करना है कि हमारे जो answers होते हैं obviously formula same represent करती है. तो मैं third के section से पहले बोलता हूँ कि आपको obviously answers same आने हैं. जो इनका using the last term solve करना है या without using the last term solve करना है वो formula के साथ है. यूजिंग लास्ट टर्म की मीनिंग क्या है कि हम जो हमारा सम फॉर्मूला है वो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल यूज करें. लास्ट टर्म मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें. दोनों सेम इक्वलेंट फॉर्मूला से ऑब्वियसली कि हमारा आंसर भी सेम आना है. तो थर्ड वेरिफिकेशन तो और क्वेश्चन बनता ही नहीं था. ऑब्वियसली दोनों सेम फॉर्मूले इक्वलेंट्स हैं तो मैच करेगा. लुक हम चाहे विदाउट यूजिंग लास्ट टर्म यूज करें चाहे विदाउट यूजिंग लास्ट टर्म यूज करें, ऐसे किसी प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है? यस वी हैव यूज अवर एनएस टर्म. हमें पहले अपना एनएस टर्म यहाँ निकालना पड़ेगा. देन वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एनएस टर्म. वी हैव अवर अवर लास्ट टर्म इज गिवन बाय एल इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन डी. नाउ व्हाट इज अवर एल? वी हैव 252, ए इज 12 एंड प्लस एन माइनस वन एंड डी इज अवर 6. 252 minus 12 we have 240. Here we get 6 and minus 6. Then we have 6 and equal to 246. Then our n is given by 41. Now look. Now we have n is equal to our 41. हम भी हमारे पास n की value 41 है. Then we have to find out our sum by using last terms and by using without using our last terms. तो पहला वर्कआउट हमें एन चाहिए था, हमने एन फाइंड आउट कर लिया. नाउ एस एन इन फर्स्ट केस यूजिंग द लास्ट टर्म देन एस एन इज गिवन बाय एन बाय टू ए प्लस एल. व्हाट इज आवर एन? एन इज वी हैव 41, 41 बाय टू, ए इज आवर 12 एंड आवर लास्ट टर्म इज व्हाट? 252. देन व्हाट वी हैव? देन वी हैव 41 अपॉन here we get 264 dividing by 2 we get 212, 26, 132. Then we have to multiply 41 into 132. 41 into 132 we have to multiply. Then what we get? 41 into 132. Then we get what? It's a 5412. Now this is our sum. Please verify this multiplication. If there is any error, then there is any error, then it's my apology to you. Now look, we get our sum is at in the first portion when we are going to use our using the last term. Then we have to plot. We have to without using the last term we have to find out sum. Then Sn equal to what? N by 2, 2a plus n minus 1. This is our formula when we are going to using this term. Then here again our n is 41, it's a 2a, a is our 24 plus n is our what? 41. Then we get 40 here and into d, d is our 6. Then we have 41 by 2 and what we get here? It's a 240 and 24, it's a 264. Okay, so again same as 41 by 2 into 264 means obviously after solving this we get 5412. Now look, it's our third question that we have to verify this, but it's not I'm not going to verify because I'm already tell you that the both of SN the formula is are equivalent because SN equal to n by 2 a plus l in which our last term is also be given by a plus n minus 1 d. Then from putting the value of l last terms we get the our formula is what? SN equal to n by 2. विदाउट लास्ट टर्म के कैलकुलेट करें बेटा सम तो सेम आ रहा है. तो वेरिफिकेशन की नीड्स कोई नहीं है बिकॉज हमारा फॉर्मूला इज वेरीफाइड है पहले से. बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फॉर्मूलाज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एर या एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. देन दोनों सेम इक्वलेंट फॉर्मूला है तो आप किसी भी तरीके से एल लेके सॉल्व करिए या एल विदाउट एल के सॉल्व करिए आपका जो आंसर है वो जो सम है वो आपका सेम आ रहा है. देन हमने रिवीजन पार्ट्स के बाद में कई बार रिवीजन करा, हमने टोटल एपी की रिवीजन कर दी.
प्लीज़ अब घर बैठे हुए आप जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम्स हों, आपको ऑर्थोपेडिक प्रोफेशन के जितने भी लास्ट ईयर्स बोर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं, मोटली 5 ईयर्स बोर्ड प्रॉब्लम्स, एंड एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लगाएंगे, एंड ऑल्सो गेट द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, आप उससे प्रैक्टिस करिए. थैंक्स टू ऑल.